hello friends regarding jee advanced 2020 and as per the students request as per the students request and i'm starting making i am starting to teach heat and thermodynamics now this is my first video on heat and thermodynamics chapter so I will start with some basic problems first. I will start with some basic problems and then I will move to some more advanced problems. So as a revision problem, this is my first question in front of you. पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है और मैंने जानबूझ करके इस क्वेश्चन में बिकॉज इसका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है आई I मीन mean, और लेंथी टेक्स्ट है सो so मैंने कुछ अंडरलाइन कर रखी हैं चीज़ों को और जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी हैं वो बेसिकली इस क्वेश्चन की न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं ठीक है और जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपके सामने दी गई हैं मैंने उनको यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिखा है दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशनस हैं वो ऊपर लिखी हुई हैं उनको आप रीड करोगे बट उसको समराइज़ करूँ सो दिस कैपिटल ए स्टैंड फॉर द एरिया ऑफ़ कंटेनर टी आई स्टैंड फॉर द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ़ द गैस विच इज़ इनसाइड दिस कंटेनर एम इज़ द मास ऑफ गैस एम सॉरी एम इज़ द मास ऑफ़ दिस पिस्टन

द वर्क डन बाय गैस इज़ फाउंड टू बी 1800 हंड्रेड जूल्स वो भी दे रखा है आपको और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्योंकि ये जो वॉल्स हैं सिलेंडर की जो वॉल्स हैं वो कंडक्टर हैं जिस वजह से अंदर वाली गैस का टेम्परेचर फाइनली बाहर के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है और बाहर का टेम्परेचर की जरा बात करो आउटसाइड टेम्परेचर ठीक है टी एक्सटर्नल तो वो गिवन नहीं है बट ये जरूर कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली द जो टेम्परेचर ऑफ़ गैस है वो बाहर के टेम्परेचर के बराबर होगा और यही चीज़ हमारे फर्स्ट पार्ट में पूछी जा रही है कि वॉट इज़ दैट एक्सटर्नल टेम्परेचर और साथ में ये पूछा गया है कि इस प्रोसेस करने ऐसा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कितना हीट उसे हीलियम गैस को प्रोवाइड किया गया है सो मीन वाइल मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट तो यही करूँगा कि आप यहीं पर वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करें एंड अगर आप क्वेश्चन को अपने लेवल पर सॉल्व कर पाते हो दैन बहुत अच्छी बात है इसका मतलब आपकी प्रशन प्रपेशन बहुत अच्छी चल रही है बट अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप इस वीडियो को एज अ सोल्यूशन और एज अ हिंट देख सकते हो सो so, इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि क्या आंसर अं आना चाहिए ना एंड सल्यूशन इस क्वेश्चन का जो होना चाहिए किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो मैं इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं पुट करने वाला हूँ क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की हैं और उसके लिए कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी एंड मेरा पर्पस यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज़ समझाने का नहीं है न्यूमेरिकल आंसर लाने का नहीं है मेरा पर्पस इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल पर्पस नहीं सॉल्व करना मुझे कंसेप्चुअली यहाँ पर थर्मोडाइनमिक चैप्टर को लर्न करना है समझना है सो so, मैं स्टार्ट करूंगा लास्ट लाइन से जहां पर वर्क डन बाय द गैस के बारे में बात की गई है कि तो वर्क डन बाय गैस इज 1800 हंड्रेड जूल्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में ये कहा जाता है कि अगर प्रोसेस क्वासी स्टैटिक हो और वो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लेते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वो एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा सो हम क्वासे स्टैटिक प्रोसेस में ये एज्यूम करते हैं कि जो वर्क डन बाय गैस है वर्क डन बाय द गैस प्लस वर्क डन विश By the external forces, this total विज इक्व टू ज़ीरो सो अगर आप यहाँ से जाओगे तो work done by gas should be minus times work by external. और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेज कौन कौन सी हैं देखो अगर गैस इस सिलेंडर में है तो इस गैस के लिए एक्सटर्नल फोर्सेज कौन कौन सी हैं उस पर हम तरह ध्यान से देखते हैं कौन कौन से फोर्स इस पर एक्सटर्नल काम कर रहे होंगे तो एक्सटर्नल फोर्सेस जो होंगे वो होंगी एटमॉस्फेयर की वजह से फोर्स आएगा राइट right? उसके अलावा मतलब एटमॉस्फ़ेरिक प्रेशर काम करेगा यहाँ पर प्लस इस पिस्टन में मास एम है जिस वजह से पिस्टन का वेट एम काम करेगा दैट मीन्स देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये एज्यूम करते हो कि ये पिस्टन कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स कर ले मान लो अगर ये पिस्टन एक्स अमाउंट से ऊपर चला जाए तो आप ज़रा फोकस करो कि उस समय उस पिस्टन पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी आई मीन अगर इस पिस्टन को आप एक्स डिस्टेंस ऊपर लेके जाएंगे तो अब इस पिस्टन पे क्या क्या फोर्सेस काम करने वाली हैं कौन कौन सी फोर्सेस इस पिस्टन के ऊपर लगेंगी ज़रा ध्यान देते हैं तो बाहर से जो आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसकी एक फ़ोर्स आएगी विच इज़ पी नॉट टाइम्स कैपिटल ए इस पिस्टन में मास है और ग्रेविटी है तो यहाँ पर एम का भी फोर्स आएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी और अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी एलोंगेट कर जाएगी और अगर ये स्प्रिंग एलोंगेट करेगी तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका एक री फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा के एक्स और उसके अलावा जो गैस है यहाँ पर उसकी वजह से एक प्रेशर की वजह से गैस के प्रेशर की वजह से अपवर्ड फोर्स भी आएगी तो मैं उसको अलग दिखा रहा हूँ कि जो फोर्स बाय द गैस होगा वो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो दैट फोर्स बाय दैट गैस विल बी इक्व टू प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ पिस्टन ये टोटल तो तो चार फोर्सेस लगेंगी क्योंकि प्रोसेस स्टैटिक है और पिस्टन को हमने ऊपर माना है कि इसकी मूवमेंट ऊपर हो रही है लाइक इसका डिस्प्लेसमेंट आपने ऊपर दिखा रखा है तो ज़रा ध्यान से नोटिस करो ये डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट है एटमोस्फरिक फोर्स के अपोजिट है सो पिस्टन इज मूव अगेंस्ट दीज थ्री फोर्सेज राइट अगेंस्ट दीज दीज थ्री फोर्सेज पिस्टन इज मूव एंड द ड्राइविंग फोर्स फॉर दैट पिस्टन इज द फोर्स बाय गैस सो अगर आप इसको ध्यान से देखो कि डब्ल्यू गैस एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल की जो मैं बात कर रहा था तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनेगा सुनिएगा माइनस टाइम्स ये माइनस उधर जाने से और डब्ल्यू एक्सटर्नल इस P नॉट A फोर्स के अगेंस्ट में कुछ काम होगा बिकॉज जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है तो वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्सेस की बात हो रही है वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स तो जब आप वर्क बाय ये वाला फोर्स देखोगे ना वर्क बाय दिस फोर्स तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं तो यहाँ पर माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स होगा नोटिस करना माइनस साइन बिकॉज वर्क में डॉट प्रोडक्ट आता है एफ एस थीटा तो इन दो के बीच में 180 डिग्री के एंगल है सिमिलरली एम जी और इस डिस्प्लेसमेंट वाली मतलब फोर्स एम जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच भी 180 डिग्री का एंगल है तो इन दोनों का वर्क जब लिखना होगा तो वो भी आप लिखोगे माइनस एम जी एक्स नेगेटिव अगेन स्क्वास थीटा की वजह से और स्प्रिंग फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का भी जब अपोजिट डायरेक्शन है तो इनका वर्क भी आएगा नेगेटिव में बट इनका वर्क थ्रू कैलकुलस आएगा बिकॉज स्प्रिंग का फोर्स एक वेरिएबल फोर्स में आता है तो वो थ्रू कैलकुलस जब निकालते हैं तो उसकी वैल्यू बनती है हाफ के एक्स स्क्वायर राइट तो ये तीनों हमारे माइनस में हो गए और यहाँ पर भी एक माइनस साइन है तो वो सारे माइनस एडजस्ट कर जाएंगे और वर्क डन बाय गैस गिवन है अब अगर आप नोटिस करते हो तो इस इक्वेशन में सारे पैरामीटर्स आपके सामने दिए हुए हैं नोटिस करिएगा क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसके अंदर सब कुछ गिवन है पी नॉट गिवन है एरिया गिवन है मास एम गिवन है वैल्यू ऑफ जी गिवन है स्प्रिंग कॉन्सेंट भी गिवन है ठीक है जी वर्क डन बाय गैस भी गिवन है एटीन हंड्रेड यहाँ पर भी दे रखा है तो सिर्फ इस पूरे इक्वेशन के अंदर एक सिंगल वेरिएबल अगर आपको दिख रहा होगा अगर कोई चीज अननोन है तो वो सिंगल अननोन नोन यहाँ पर एक्स है यानी कि स्प्रिंग का एलोंगेशन तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो गिवन न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं अगर आप उन गिवन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को प्रॉपर यूनिट्स के साथ प्रॉपर यूनिट्स के साथ इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दोगे तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एक्स की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी राइट right, यहाँ से एक्स की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी और मैं आपको सिर्फ उसका सल्यूशन दूंगा कि सॉल्व करने के बाद जो एक्स की वैल्यू बनती है दैट इज़ थ्री सेंटीमीटर राइट सो स्टेप वन क्लियर हो गया कि आपको पिस्टन का मूवमेंट मालूम चल गया कि पिस्टन कितना डिस्टेंस ऊपर मूव करके जाएगा ये चीज़ मालूम चल गई अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा वो देखो एक्सटर्नल टेम्परेचर कैसे निकालोगे एक्सटर्नल टेम्परेचर को अगर निकालना है तो इसके लिए अब आप क्या करोगे ध्यान से सुनिएगा अगर मैं गैस इक्वेशन लगाऊं पी वन वी वन बाई टी वन इक्वस टू पी टू वी टू टी टू तो यू कैन राइट टी फाइनल इक्वस टू राइट मैं गैस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ उसको साइड में अगर मैं लिखूँ तो यहां पर लिख सकते हो आप पी वन वी वन डिवाइडेड बाई टी वन एंड इक्वस टू पी टू वी टू डिवाइडेड बाई टी टू सो मैं बात टी टू की कर रहा हूँ यहाँ पर तो टी टू विच इज टी फाइनल इज p फाइनल v फाइनल इंटू t इनिशियल डिवाइडेड बाई p इनिशियल v इनिशियल अब इसमें से क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पता हैं और क्या क्या चीज़ें पता हैं वो देखते हैं सो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर बोल रखा है कि जो फाइनल टेम्परेचर है टेम्परेचर ऑफ गैस टू चेंज अनटिल इट रीचेज टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर सो फाइनल टेम्परेचर तो हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर है और वही चीज़ हमारे पार्ट ए में रिक्वायर्ड भी है यानी कि मुझे ये टी एफ सॉल्व करना है इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर वी फाइनल टी इनिशियल और वी आई ये सब कुछ गिवन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी वैल्यूज गिवन है कैसे गिवन है वो देखिएगा फाइनल प्रेशर जब फाइंड आउट करना होगा आपको तो आप इन सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दूँ राइट right. इन सारे फोर्सेस को अगर आप बैलेंस करोगे तो फाइनल प्रेशर की वैल्यू बनेगी पी नॉट प्लस के एक्स डिवाइड बाई कैपिटल ए और प्लस एम जी डिवाइड बाय कैपिटल है दिस इज फाइनल प्रेशर अंडर क्वासिस स्टेटिक कंडीशन जो बाई डिफ़ॉल्ट मैं एज्यूम करता हूँ और हमेशा एज्यूम करेंगे भी इनिशियल प्रेशर जब निकालना होगा तो इसी एक्सप्रेशन में एक्स की इनिशियल वैल्यू इनिशियली ये डिस्प्लेसमेंट एक्स जीरो था तो इनिशियली प्रेशर रहा होगा पी नॉट प्लस एम जी बाय ए इनिशियल वॉल्यूम गिवेन है एरिया दिया है और यह हाइट दे रखा है तो आई विल राइट ए इंटू एच एज इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम नोटिस कर रहा आपने ये डिस्प्लेसमेंट एक्स सॉल्व कर लिया है इसका मतलब एरिया और मल्टीप्लाइड बाय द न्यू हाइट एच और प्लस उसमें एक्स ऐड हो जाएगा और इनिशियल टेम्परेचर भी दे रखा है यहाँ देखो टी आई की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में इनिशियल टेम्परेचर यहाँ टू हंड्रेड एटीन पॉइंट फोर कैलविन है सो so, अब राइट हैंड साइड पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो अननोन है राइट हैंड साइड पर सब कुछ अननोन वैल्यू सब सॉरी सब, सब, सब कुछ नोन वैल्यूज़ हैं तो अब फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पर अगर आप नंबर्स पुट करते हो सारे सारे नंबर्स अगर प्रॉपर रखे जाए और कैलकुलेट किया जाए वो आप चाहो तो कैलकुलेट करो अदरवाइज़ आप कंसेपचुअली चीज़ों को लर्न करो कि आंसर जो आपका आएगा टी फाइनल न्यूमेरिक वैल्यूज पुट करने के बाद वो रफली 273 सेवेंटी के आसपास आएगा और ये टी फाइनल हमारा टी एक्सटर्नल भी है टी फाइनल इज सेम एज टी एक्सटर्नल अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के बी पार्ट पर कि हीट गिवेन टू द हीलियम गैस क्या होगा इसके लिए मैं ट्राई करता हूं कि इसी जगह पर मैं सॉल्व कर लूं मतलब लिमिटेड स्पेस में सॉल्व करने की आपको भी वैसे प्रैक्टिस करनी है बिकॉज पेपर में रफ स्पेस कम होता है तो हीट गिवेन टू द गैस बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज वर्क डन विच वर्क डन बाय द गैस प्लस द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी वर्क डन बाय गैस एंड प्लस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी वर्क डन बाय गैस इज गिवेन दिस वैल्यू इज गिवेन एज एटीन हंड्रेड दे रखा आपको है आपको कि एटीन हंड्रेड है सो सॉल्व क्या करना है मतलब बिकॉज अगर आपको बी पार्ट में ये बताना है ना क्यू बताना है अगर आपको तो इसका मतलब सारा कंसनट्रेशन आपका डेल्टा यू पर होगा और डेल्टा यू सॉल्व करने का जो तरीका है किसी भी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस के लिए जब डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आप इज़िली कैलकुलेट कर सकते हो राइट right? कैसे बाय द नंबर ऑफ मोल्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कॉन्सटेंट वॉल्यूम एंड डेल्टा टी तो क्या मुझे डेल्टा टी पता है एक बार देख लेते हैं जरा पर कि एन सी वी डेल्टा टी अगर मुझे निकालना है तो इसका मतलब एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल चाहिए तो क्या इसके अंदर की सारी वैल्यूज़ पता है इस क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं तो देखो इस क्वेश्चन में इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है फाइनल टेम्परेचर प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट कर लिया गया है सी दे रखा है यहाँ पर अब बचा अच्छा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ़ मोल्स भी आप गैस इक्वेशन से निकाल सकते हो बिकॉज इनिशियल प्रेसर गिवन है देखो निकाल सकते हैं बिकॉज ये जो पी नॉट प्लस एम जी बाई ए है ये उस गैस का इनिशियल प्रेशर है ए एच उस गैस का इनिशियल वॉल्यूम है और टी आई उस गैस का इनिशियल टेम्परेचर है सो so, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है, वो आप गैस इक्वेशन से क्या ले सकते हो इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आर टी इनिशियल और यहाँ पर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ठीक है तो अब आप यहाँ पर पी इनिशियल ये रखोगे ये वैल्यू पी इनिशियल है पी नॉट प्लस एम जी बाई ए वी इनिशियल ए इंटू एच है टी इनिशियल वो दे रखा है टू हंड्रेड एटीन पॉइंट फोर के और जब आप सब कुछ यहाँ पर पुट कर देते हो और इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू डाल देते हो तो न्यूमेरिक वैल्यू डालने के बाद यहाँ जो रिज़ल्ट बनता है वो रफली लमसम आप मान सकते हो सिक्स सेवन वन सिक्स जूल्स के आसपास आएगा नंबर रखने के बाद ठीक है इसकी वैल्यू तो ये पूरी वैल्यू आपकी आ गई सिक्स सेवन वन सिक्स और ये एटीन हंड्रेड अब आप ऐड कर दो तो क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व हो गया यहाँ से सो so, मेरा पर्पस न्यूमेरिक वैल्यूज समझाने का नहीं था मैं फिर से क्लियर कर दूँ इस क्वेश्चन में मेरे को न्यूमेरिक वैल्यूज़ देने का कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा पर्पस ये था आप इस क्वेश्चन को थर्मोडानेमिक के एंगल से और लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक लगा करके क्लियरली देखो कि क्या क्या, क्या चीज़ें हुई हैं अगर ये थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा फास्ट हो गया हो तो क्योंकि वीडियो फॉर्म है तो आप जब चाहे इसको आप इसकी स्पीड स्लो कर सकते हो समझ सकते हो और बेटर बेनिफिट आपको मतलब मैक्सिमम बेनिफिट सॉरी मैक्सिमम बेनिफिट आपको इसका तभी हो पाएगा जब आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करें तब उसके बाद वीडियो को देखें और इवन अगर आप सल्यूशन देख भी रहे हो तो पेन पेपर आपके पास होना चाहिए ताकि आप ये स्टेप्स खुद से लिखना सीख जाओ आई मीन तभी इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बेनिफिशियल होगी ठीक है सो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था एक और क्वेश्चन है मेरे पास दो क्वेश्चंस मैंने आज के लिए देखे आज का जो टारगेट है वो दो क्वेश्चंस का है सो so, ये आपके पास मेरा सेकंड क्वेश्चन है ना अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखें अगर ठीक है थोड़ा सा आई मीन स्क्रीन को फोकस कर लेते हैं तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को हल्का सा मैं कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर स्टिल कर देता हूँ तो कुछ कुछ सेकेंड्स के लिए अगर ये स्क्रीन आपके सामने स्टिल कर दे रहा हूँ सो दैट कि आप क्वेश्चन को नोट कर पाएँ या पॉज करके इसको क्वेश्चन इस आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें और एक बार सेल्फ अटैम्प्ट लेना पड़ेगा आपको सेल्फ अटैम्प्ट लेने के बाद ही आप आप इस वीडियो को आगे देखें ठीक है so, सो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या है इस क्वेश्चन में क्या है वो देखो आप इस क्वेश्चन में भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं बट न्यूमेरिक वैल्यूज का मैं यूज नहीं करना था करना मतलब नहीं करूँगा आप बहुत ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या है यहाँ से स्टार्ट करते हैं डायग्राम के थ्रू अगर बताऊँ तो ये स्प्रिंग है यहाँ पर कोई आइडल गैस टाइप की चीज़ है और यहाँ पर एक हीटर है जिसके थ्रू हीट सप्लाई की जा रही है और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है अब मैं क्वेश्चन को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे तो सबसे पहले बात की गई है कि जो यहाँ पर इनिशियल प्रेशर है क्वेश्चन की थर्ड लाइन इनिशियल प्रेशर ऑफ द एयर इज इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फिर प्रेशर ऑफ टेन टू तो द पावर फाइव फाव। दैट मीन्स कि अगर ये पी नॉट पी नॉट ये है हमारा टेन टू दी पावर फाइव की वैल्यू पी नॉट मान लेते हैं सो पी नॉट गिवन है नोटिस कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है एंड दैट पी नॉट इज सेम एज द इनिशियल प्रेशर तो अगर गैस का इनिशियल प्रेशर और पी नॉट सेम है तो इसका मतलब स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं होगा बिकॉज अगर दोनों साइड से सेम फोर्स आ रही है तो ये अनडिफॉर्म स्प्रिंग होना चाहिए और वो लिखा भी है क्वेश्चन में अनस्ट्रेच स्प्रिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन के बारे में बात की गई है यानी कि एरिया गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवेन है टू हंड्रेड न्यूटन पर मीटर वॉल्स ऑफ द वैसल एंड द पिस्टन एज परफेक्टली इंसुलेटेड राइट सो जो भी हीट इस हीटर के थ्रू इसके अंदर आएगी वो फर्दर कहीं पर डिसिपेट नहीं हो सकती इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है वी की वैली दे रखी है इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है टी की वैल्यू दे रखी है देखो 300 हंड्रेड और उसको हीट करके 360 सिक्सटी तक ले गए हो यानी कि टी फाइनल भी दे रखा है सो दिस इज़ टी फाइनल 360 सिक्सटी राइट right. और साथ में बगल में सी वी बट यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा सी वी की यूनिट्स पे ध्यान दीजिएगा इट इज़ पर किलोग्राम सो इट इज़ नॉट द मोलर हीट कैपेसिटी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है जहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं ये जो सी है ये मोलर हीट कैपेसिटी ना होकर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है बिकॉज तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम पर मोल कैलकुलेट करते हैं और ये पर किलोग्राम है राइट तो अब हम क्वेश्चन के डिस्कशन पार्ट पे आए ये क्वेश्चन में करना है क्या है मेरे को एक्चुअली राइट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो एक तो आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन पूछा गया है आई I मीन mean, ये पिस्टन कितना डिस्प्लेस करेगा कॉज बाय द स्प्रिंग एंड फाइंड द एनर्जी डिलीवर्ड बाय दिस हीटिंग फिलामेंट तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर से होगा क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आप डिटेल में जाओ तो क्या होगा यहाँ देखो तो इसको बहुत जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत क्विकली सॉल्व करेंगे विदाउट पुटिंग न्यूमेरिक वैल्यूज़ सिम्बोलिकली सॉल्व करेंगे इसको जब यहाँ से इसमें हीट प्रोड्यूस करोगे आप इसमें हीट ऐड करोगे लेट्स से क्यू तो टेम्परेचर ऑफ़ गैस राइज़ कर रहा है टेम्परेचर ऑफ़ गैस राइज करने की वजह से इसका जो प्रेशर होगा वो राइज़ करेगा और प्रेशर राइज़ करने की वजह से जब इस साइड से प्रेशर राइज करेगा ज़्यादा प्रेशर लगाओगे इस साइड से और बाहर वाला पी नॉट है और इधर से उससे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो ये पिस्टन थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करेगा तो मैं अगर इसको पैरल डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूँ आपको एक फ्री हैंड डाइग्राम के थ्रू थ्रू फ्री हैंड डाइग्राम मान लो ऐसे दिखाते हैं हम तो लोग तो हम आपको ये दिखा सकते हैं जै रेफरेंस कि ये पिस्टन कुछ फॉरवर्ड चला गया है दैट मीन्स और पिस्टन के फॉरवर्ड जाने से जो हमारी स्प्रिंग लगी हुई है यहाँ पर वो थोड़ी सी कंप्रेस होगी तो लेट्स से कि पिस्टन एक्स डिस्टेंस आगे आया स्प्रिंग कंप्रेस हो गया और जो गैस है वो एक्सपेंड हो गई तो गैस का जब एक्सपेंसन हो गया बट ये एक्सपेंसन हीट मिलने की वजह से हुआ इसमें हीट मिला है गैस का एक्सपेंसन हुआ है और इस गैस का फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल हो गया जो कि क्वेश्चन में दे रखा है आपको अब अगर आप ध्यान दो ना तो अब क्या होगा इधर से जो फोर्स लगेगा पिस्टन के ऊपर वो प्रेशर ऑफ गैस पी फाइनल टाइम्स एरिया होगा और इधर से जो फ़ोर्स आएगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया होगा और ये कंप्रेस स्प्रिंग का भी एक फ़ोर्स लेफ्ट साइड हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग आएगा के इन टू एक्स का है ना ध्यान देना ये तीन फोर्सेस आएंगी तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे आई I मीन mean, जिसको भी थोड़ा सा आइडिया है और प्रीवियस एग्जाम्पल अगर आपने कर रखा है तो बेसिकली आप ये समझ जाओगे कि अगर आप इन तीन फोर्सेज का इक्विलिब्रियम दिखाओ क्योंकि हम प्रोसेस क्वासी स्टेटिक कंडीशन में एज्यूम कर रहे हैं और क्वासी स्टैटिक कंडीशन में पिस्टन की मूवमेंट काफ़ी स्लो रेट पे होगी तो आप इन सारे फोर्सेस को एक दूसरे से बैलेंस कर सकते हो और अगर बैलेंस कर देते हैं तो ये राइट right साइड की फ़ोर्स है ये दो लेफ़्ट साइड वाली फोर्सेस है तो फोर्स जो राइट साइड पर लग रहा है इक्वस टू टोटल फोर्स जो लेफ्ट साइड पर लग रहा है यानी कि पी फाइनल इंटू एरिया इज इक्वल टू पी नॉट ए और प्लस के एक्स तो इसके थ्रू आपको गैस का फाइनल प्रेशर मिल जाएगा पी नॉट ए प्लस के एक्स और डिवाइडेड बाय एरिया बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस कर दोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा सो ना फाइनल प्रेशर ऑफ़ द गैस इज़ क्लियर टू अस फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस मिल जाएगा क्योंकि उसका इनिशियल वॉल्यूम पता था आपको और इतना वॉल्यूम उसमें और एड हो रहा है इतना वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है ये तो इनक्रीज वॉल्यूम जो होगा दैट इज़ द एक्सपेंसन लेंथ इंटू द एरिया ऑफ पिस्टन सो इनिशियल वॉल्यूम प्लस ए इंटू एक्स कर देंगे तो फाइनल वॉल्यूम भी आ जाएगा अब आप ध्यान दो इनिशियल प्रेशर दे रखा था इनिशियल वॉल्यूम पता है इनिशियल टेम्परेचर पता है फाइनल टेम्परेचर पता है पी फाइनल पता है वी फाइनल पता है तो मुझे इतना उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों ने अभी तक ये स्ट्राइक कर गया होगा आप लोग में से कुछ लोगों को तो ये स्ट्राइक कर गया होगा कि करना क्या है इसमें तो बहुत सिंपल है आप पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल डिवाइडेड बाय टी फाइनल और जब आप इसके अंदर सब कुछ पुट कर दोगे सारी वैल्यूज़ और पी फाइनल वी फाइनल की जगह ये एक्सप्रेशंस तो पी फाइनल वी फाइनल की ये एक्सप्रेशंस यहाँ रख देते हैं और बाकी सब वैल्यूज़ क्वेश्चन की बॉडी में दे रखा है तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ठीक है मैं फिर रिपीट कर दूँ मैं लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ठीक है तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये सबको जब आप पूरा कैलकुलेट कर लेते हो तो ये एक्सप्रेशन से आपको मालूम चलता है कि जो एक्स है वो ज़ीरो पॉइंट वन मीटर आएगा ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन कॉज्ड बाय द स्प्रिंग पॉइंट वन मीटर सो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया अब क्वेश्चन के हम सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं फाइंड द एनर्जी डिलीवर्ड बाय द हीटिंग फिलामेंट अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आपके पास एक ही लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसके अलावा कुछ है भी नहीं हमारे यहाँ तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग आई कैन राइट क्यू इक्वल्स टू वर्क डन बाय गैस एंड प्लस डेल्टा यू अब एक बार फिर क्वेश्चन है कि जो वर्क डन बाय गैस है वो आप लिखोगे माइनस टाइम्स डब्ल्यू एक्सटर्नल एंड प्लस डेल्टा यू और अगर यहाँ पर बात करी जाए तो एक्सटर्नल वर्क क्या है तो कौन से फोर्स एक्सटर्नल है वो देख लेते हैं जो स्प्रिंग का फोर्स है ये हमारे लिए एक्सटर्नल फोर्स है बिकॉज जो गैस है वो आप सिस्टम मान लोगे तो अगर ये सिस्टम है तो इसके ऊपर बाहर से कौन सा फोर्स लग रहा है? वो है स्प्रिंग का फोर्स के एक्स और एटमोस्फेरिक फोर्स ये भी एक्सटर्नल है तो ये दो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है लेफ्ट साइड की तरफ टू एक्सटर्नल फोर्सेस आर ऑन द लेफ्ट साइड एंड द पिस्टन इज़ मूविंग टू द राइट साइड सो जब आप इनका वर्क मैकेनिक्स के थ्रू लगाओगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट के थ्रू तो एटमोस्फरिक प्रेशर वाले का वर्क लिखा जाएगा पी नॉट ए फोर्स इंटू द डिस्प्लेसमेंट और कोसाइन थीटा है जिस वजह से एक माइनस आएगा क्योंकि फोर्स लेफ्ट है और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट राइट right है स्प्रिंग का वर्क आएगा वो भी माइनस में आएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा वो सेम रीज़न स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट है और बॉडी का मोशन राइट साइड पर है तो नेगेटिव वर्क आना चाहिए यहाँ पर और एक्स स्क्वायर आएगा बिकॉज इसको आप कैलकुलस की हेल्प से लगाओगे वेरिएबल फोर्स का वर्क निकाल रहे हो सो दिस इज डब्ल्यू एक्स एन एल और उसके बाहर भी एक माइनस है तो दो माइनस यहाँ पर और एक माइनस बाहर प्लस डेल्टा यू अब डेल्टा यू कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं यार तो डेल्टा यू निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना एन सी वी डेल्टा टी डेल्टा यू इज सिंपली एन सी वी डेल्टा टी बट ये सी वी जो आप रखते हो ना यहाँ पर ध्यान रखना दिस सी वी इज मोलर हीट कैपेसिटी जबकि क्वेश्चन में ये जानबूझ करके दिया हुआ है कभी कभी क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दी जाती है और आप एक फ़्लो में रहते हो क्वेश्चंस करने के उस फ्लो में उस पॉइंट पर ध्यान नहीं देते हो और आप एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स लेकर के चले आते हो तो बी अवेयर कि सी वी पहले देख लो कौन सा दिया हुआ है उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब मेरा पहला पार्ट मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि कैलकुलेट हो जाएगा बिकॉज फ़र्स्ट पार्ट के लिए कुछ भी अननोन पैरामीटर नहीं है अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें से जितने भी पैरामीटर आपको दिख रहे हैं इन सब की न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन किया जा सकता है अब इधर आते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स इंटू सी वी तो सी वी हमारा मोलर हीट कैपेसिटी है तो मैं क्या करूँगा इस फॉर्मूले की जगह पर आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा लो है ना आप आप नंबर ऑफ़ मोल निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले को लगाएं तो नंबर ऑफ़ मोल कैसे निकालेंगे पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन आर इंटू टी इनिशियल ये है आइडल गैस इक्वेशन नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएगा और ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोलर हीट कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं इट इज़ द मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सो ये एम मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल सी वी होगा ये ये फॉर्मूला ध्यान रखना मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोलर मास इन टू हीट कैपेसिटी और यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस क्वेश्चन में दी गई है आपको और डेल्टा टी स्टी फाइनल माइनस टी, टी इनिशियल ये सब कुछ हो गया हमारे पास और यहाँ पर बता दो कि जो मोलर बास आप रखोगे जो डेटा आपके पास होता है वो ग्राम्स में होता है जैसे हीलियम है तो वो फोर ग्राम है राइट तो आप पहले इसको एसआई यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा अदरवाइज फिर मिस्टेक हो जाएगी आपसे और अब इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करनी होंगी आपको सारी के सारी वैल्यूज़ पुटअप करोगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब यहाँ पर रखनी होंगी आपको और अगर हम इसमें से सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसका जितना भी वैल्यू है अगर वो सारा का सारा वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख दो तो आपका ये सारा पार्ट सॉल्व हो जाएगा और ये सारा पार्ट सॉल्व होने के बाद क्या वैल्यू आएगी देखो सब कुछ सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू बनेगी वो बता दूँ आपको सीधा मैं आंसर पर आ रहा हूँ कि जब आप सब कुछ सॉल्व कर लेते हो तो वहाँ पर जो वैल्यू बनेगी रखने के बाद इन सब के न्यूमेरिक वैल्यूज़ को पुट करने के बाद वो बनेगा कुछ इस टाइप से मतलब ये जो टर्म बनेगा आपका मतलब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाना है एक्चुअली तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको यहाँ पर प्लस पी नॉट एक्स का टर्म यहाँ पर आ जाएगा और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर आ जाएगा और आगे प्लस करके ये तीसरा टर्म है तो ये जो पहला टर्म है इसकी वैल्यू बन रही है न्यूमेरिकल वैल्यू सारी कैलकुलेशंस करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 300 जूल इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बन रही है अप्रोक्सीमेटली 10 जूल और ये जो टर्म है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बन रही है अप्रॉक्सीमेटली इसको आप कैलकुलेट करना है मैं इसलिए अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं आएंगी थोड़ा आगे पीछे वैल्यूज चलेंगी और मैंने इंडिविजुअल वैल्यूज इसलिए बताई हैं ताकि आप अगर खुद से वर्किंग कर रहे हो और ऑनेस्ट हो अपने साथ तो आप ये चेक कर सकते हो कि हाँ मेरी वर्किंग सही है कि नहीं सही है तो ये ऑब्वियसली अब इसको सब पूरा सॉल्व करेंगे तो ट्वेल्व एंड थ्री है सो आंसर फॉर दिस हीट विल बी नाउ वन फाइव वन ज़ीरो जूल्स ठीक है बच्चा तो आप देखो ये दो वीडियोस थी मतलब हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स को स्टार्ट करने के लिए ये दो वीडियोस है और अगर इसके बाद आप जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो तो आपको मैं मतलब मेरे मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दो क्वेश्चन को समझने के बाद सिमिलर क्वेश्चन जहाँ पर स्प्रिंग इन्वॉल्व है और हीट हीट कैलकुलेट करना है या फिर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालना है तो आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प मिलेगी इसके थ्रू सो तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को मेरे सजेशंस के अकॉर्डिंग पहले नोट कर लें देन पहले खुद से ट्राई कर लें उसके बाद अपने स्टेप्स मैच कर लो आप कि आपके स्टेप और जो वीडियो के अंदर बताया जा रहा है वो स्टेप मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एंड देन फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा न्यूमेरिक वैल्यूज को कन्फर्म करने के लिए और अगर आप कर पाते हो तो दैट मीन्स कि यू आर ऑन अ वेरी वेरी राइट ट्रैक और अगर अनफॉर्चुनेटली दिक्कत हो रही है तो तो कोई दिक्कत नहीं है कोई बात नहीं है अब अभी हम कुछ और वीडियोस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की आपको बनाएंगे पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे और आप इन वीडियोस के थ्रू हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर अपना रिवाइज़ कर सकते हो पूरी तरीके से रिवाइज़ कर सकते हो ठीक है बच्चों सो so इन्जॉय करो टेक केयर बाय बाय